इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम टू बीबी न्यूज। कहते हैं कि रुपयों को बंद रखने से वो मिट्टी में मिल जाते हैं, क्योंकि लक्ष्मी एक जगह कभी नहीं बैठती। लेकिन आंध्र प्रदेश के कृष्णानगर जिले में वाकई में ऐसा ही हो गया है, जहां पर एक व्यक्ति रुपए कमा कमा कर बक्से में भरता रहा और जब उसने नोटों को निकाला तो वो मिट्टी में बदल चुके थे। जानकारी के मुताबिक इन नोटों को दीमक खा गए और इसके बाद उन नोटों के मालिक ने वो नोट बच्चों को खेलने के लिए दे दिए। ये पूरा मामला कृष्णानगर जिले के मिलावरम का है, जहां के रहने वाले बिजली जमलैया सुअर पालन का काम करते हैं। उन्होंने अपने परिवार के लिए घर बनाने की प्लानिंग की थी और उसी के लिए वो अपने बिजनेस से पैसे निकाल कर बक्से में रखने लगे ताकि ये नोट सुरक्षित रहे और खर्च ना हो, और जब उन्हें घर बनाने के लिए इनकी जरूरत हो तो उन्हें तुरंत रुपए मिल जाए। लेकिन उन्होंने जब बक्से को खोला तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि बक्से में कोई नोट सही सलामत था ही नहीं। मीडिया को मिली खबर के मुताबिक बिजली जमलैया ने कहा कि उन्होंने परिवार के लिए घर बनाने की सोची थी, लेकिन अब ये सपना टूट गया। बाद में उन्होंने सारे कटे बचे नोटों को बच्चों में बांट दिया ताकि वो नोटों के साथ में खेल सके। लेकिन जब ग्रामीणों ने बच्चों के पास भारी मात्रा में नकदी देखी तो वो सकते में आ गए और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल के बाद बिजली जमलैया की बातों को सही माना और कोई कार्रवाई नहीं की। तो दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप हमें वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इसी तरह की खबरें पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।